महिलाओं की जो अस्मत थी, जो उनके भीतर में चल रहा होगा उस वक्त, क्या उसको हम लौटा पाएंगे? मैं ये प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हूँ, मैं हमारी अपनी सरकार से यह सवाल कर रही हूँ। मैं महिला मंत्रियों, सिर्फ बाल विकास मंत्री की बात नहीं कर रही, मैं तमाम महिला मंत्रियों की, तमाम सदन में बैठी हुई महिलाओं से, तमाम वहां पे बैठे हुए सांसदगणों से, जिनकी बेटी है, बहनें हैं, माँ है, पत्नियां हैं, उनसे सवाल कर रही हूँ। इसको राजनीति का खेल कहेंगे? इसको सरकार सरकार कहेंगे? इसको ऑल इज वेल कहेंगे? इसको कहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है? मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? मैं सरकार से बोलना चाहूंगी, हाथ जोड़ के विनती है, एक सांसद के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, बंद करिए ये खेला, बंद करवाइए ये खेला। ये आप लोग का ही शय है। एक बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति जब गोल्ड मेडलिस्ट के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है और सरेआम खीखी करता है, मीडिया के सामने बदतमीजी करता है, उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, उनके लिए आप सफाई पेश करते हैं, और ये 76 दिन पहले का वीडियो, बड़ी बेशर्मी से आपकी महिला मंत्री ट्वीट करती है कि हमने सीएम से बात कर ली है, ये वीडियो तो 4 मई का है और हमारी जांच हो रही है, हम जांच कर रहे हैं। मैं सरकार से सवाल करती हूँ, ये प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो तो वहां पर भाषण दे के आए थे कि 25 साल का हम एक खाका तैयार कर रहे हैं मणिपुर के लिए। ये है 25 साल का खाका? ये है कि वहां महिलाओं के साथ एक डीमन की तरह बिहेव होगा? वीडियो देख के रूह कांप रही है, बार बार रूह कांप रही है, और मुझे शर्म आ रही है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सबके सिर शर्म से झुके होने चाहिए, और इस पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से जवाब मांगना चाहती हूँ, ये मानसून सत्र है, इंडिया आपसे जवाब मांगेगा, सदन के भीतर, सदन के बाहर। ये 76 दिन हो गए, 4 तारीख का वीडियो है, FIR लॉन्च हो गई, अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं। ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? ये कौन से इंडिया ऑल इज वेल की बात आप कर रहे हैं? हमारी मंत्री का फर्ज सिर्फ एक ट्वीट करना है? होम मिनिस्टर कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है? आप कई भी देशों के दौरे कर रहे हो और अपनी बातों को कह रहे हो कि इंडिया शाइन कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, क्या यही ठीक है? हम जवाब मांग रहे हैं उनसे कि क्या उन पे क्या कार्रवाई होगी। आप चुप क्यों है? होम मिनिस्टर चुप क्यों है? आपकी मंत्री का फर्ज सिर्फ ट्वीट करना है। आप अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले रहे हैं कि नहीं? उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? सदन के भीतर आज मानसून सत्र पे हम 267 के तहत, क्या मणिपुर का ये मुद्दा आज भी अहम है कि नहीं? अगर ये महत्वपूर्ण है तो क्या आज सदन में, मणिपुर में, इन महिलाओं को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है।